खबर जयपुर से, जहां कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल की सभा। जी आपको बता दें कि जयपुर में नामांकन से पहले कांग्रेस की जनसभा होनी है। सीएम गहलोत का जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम होने वाला है। आपको बता दें डिप्टी सीएम सचिन पायलट, महेश जोशी, अमीन कागजी भी साथी शामिल रहेंगे और सभा के बाद ज्योति खंडेलवाल दाखिल करेंगे अपना नामांकन। आपको बता दें जयपुर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी है ज्योति खंडेलवाल। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल की सभा आपको बता रहे हैं। जयपुर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं ज्योति खंडेलवाल। जयपुर में कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल की जनसभा होनी है। सीएम गहलोत का सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट, रघु शर्मा, महेश जोशी और अमीन कागजी भी साथ ही मौजूद रहने वाले हैं। सभा के बाद ज्योति खंडेलवाल अपना नामांकन दाखिल करने वाली है। जयपुर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी है ज्योति खंडेलवाल। आपको बता दें कि इनका मुकाबला बीजेपी के रामचरण बोहरा से होने वाला है। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल की सभा बता रहे हैं आपको जयपुर से खबर, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और साथ ही डिप्टी सीएम सचिन पायलट, अविनाश पांडे भी इनके साथ मौजूद रहेंगे। जयपुर से खबर, जहां कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल की सभा आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम सचिन पायलट, रघु शर्मा, महेश जोशी, अमीन कागजी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मौजूद रहने वाले हैं और सभा के बाद ज्योति खंडेलवाल अपना पर्चा दाखिल करेंगे। एक बार आपको फिर से बता दें, कांग्रेस से जयपुर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं ज्योति खंडेलवाल, जिनका मुकाबला बीजेपी के रामचरण बोहरा से होने वाला है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता दिनेश कसाना फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी दिनेश, बताएं क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए लवीना, आज मुख्यमंत्री की 3 जनसभाएं हैं। कांग्रेस के 2 प्रत्याशी जो नामांकन दाखिल कर रहे हैं, जयपुर से ज्योति खंडेलवाल और झुंझुनू से श्रवण कुमार अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री फिलहाल सिविल लाइन्स में ज्योति खंडेलवाल के समर्थन में जनसभा हो रही है, यहाँ पर मौजूद है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री का संबोधन होगा। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन रघु शर्मा भी उनके साथ मौजूद है। जी दिनेश, इसके बाद का क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है? कितने बजे है इसके बाद की जनसभा? दिनेश, इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है? देखिए लवीना, सिविल लाइन्स में जनसभा हो रही है, इसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ही देर में संबोधित करेंगे और उसके बाद झुंझुनू के लिए रवाना होंगे हेलीकॉप्टर से। उनके साथ उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन रघु शर्मा भी साथ रहेंगे। झुंझुनू में श्रवण कुमार के नामांकन में शामिल होंगे और उसके बाद बीकानेर में मुख्यमंत्री के लूणकरण सर में एक मुख्यमंत्री की जनसभा है, वहाँ कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। जी दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल आज अपना नामांकन दाखिल करने वाली है और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसभा को संबोधित कर रहे हैं।